अखिलेश यादव भैया एकदम। अखिलेश यादव का है? बस आ रहे हैं तो आ रहे हैं भैया। व्यू देखिए, मेट्रो देखिए, लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए, सब देखिए, सब उन्हीं का ओरिजिनलिटी। बस उद्घाटन करने से थोड़ी ना हो जाएगा, जनता बेवकूफ नहीं है, उद्घाटन कर देंगे, नाम बोल देंगे, जान जाएंगे कि वही किए हैं। राम राज्य में राजतंत्र था, वो नहीं चाहिए, अभी लोकतंत्र चाहिए। निकली है देखिए, यूपी टेट का पेपर भी लीक हो गया, क्या फायदा वैकेंसी निकलने का। कांग्रेस में कमी नहीं है, कमी जनता में, कांग्रेस का जो असली चीज कांग्रेस बोलती है जनता उसको समझ नहीं पा रही है। कुछ गड़बड़ है विपक्ष में, तभी बार बार सरकार जीत रही है। लगातार हम बनारस की जनता का सियासी मिजाज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा साथी जुड़े हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या चल रहा है भैया सियासी मिजाज इस बार बनारस का। अखिलेश यादव भैया एकदम। अखिलेश यादव का है? बस आ रहे हैं तो आ रहे हैं भैया। काहे आ रहे हैं भैया? उनका प्रोजेक्ट बहुत सारा था जो वो इनॉग्रेट किए थे, लेकिन योगी जी बस उद्घाटन करके अपना नाम ले लिए। लेकिन है तो असली ओरिजिनलिटी अखिलेश की। नहीं तो बीजेपी तक कह रहे। फ्रंट व्यू देखिए, मेट्रो देखिए, लखनऊ एक्सप्रेसवे देखिए, सब देखिए, सब उन्हीं का ओरिजिनलिटी है, मतलब इनॉग्रेशन सब उन्हीं का है, शुरू किया हुआ। बस उद्घाटन करने से थोड़ी ना हो जाएगा, जनता बेवकूफ नहीं है, उद्घाटन कर देंगे, नाम बोल देंगे, जान जाएंगे कि वही किए हैं। जनता बेवकूफ नहीं है कि उद्घाटन बता रहे हैं। राम राज्य नहीं चाहिए ना, लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं चाहिए, लोकतंत्र है। राम राज्य नहीं चाहिए, जो लोकतंत्र चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए। राम राज्य में राजतंत्र था, वो नहीं चाहिए, अभी लोकतंत्र चाहिए। रोजगार के मुद्दे पे कितना आपको लगता है सफल नहीं होगा? अब यह हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मिले तो बताएं, अभी रोजगार मिले तो बताएं। वैकेंसी निकल रही? नहीं निकल रही। वैकेंसी तो अभी निकली है, निकली है देखिए, यूपी टेट का पेपर भी लीक हो गया, क्या फायदा वैकेंसी निकलने का। ये भी तो सरकार की लापरवाही है, केयरलेसनेस कहेंगे। कि यूपी टेट में क्या मतलब कि सरकार मतलब कि पकड़ मजबूत नहीं कर पाई, जो माफिया है गिरोह जो पेपर ऊपर लीक करवाते हो भारी पड़े सर। तो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन का ही ना गलती है, आप ही बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन का ही तो गलती है, पेपर लीक होना किसका गलती है? भुगत तो रहे हम लोग, जनता भुगत रही है, भुगत तो रहे हम लोग, विद्यार्थी भुगत रहे हैं, तो हम स्टूडेंट ही तो है। आबा भैया का नाम है कहीं? आबा आनंद, आनंद सिंह। आनंद क्या करते हैं भैया? हम IIT करते हैं, BHU IIT, फोर्थ ईयर है मेरा। तो आनंद भाई ये बताइए कहाँ बन, उत्तर प्रदेश से ही हैं? नहीं, हम बिहार से हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में तो अब हैं तो जानते समझते तो होंगे ही राजनीति। कहा भैया तो कहा है मतलब इस बार का क्या लग रहा है कि आप बीजेपी सरकार को बताइए कि क्या ठीक काम कर रही है? ये काम तो ठीक ही कर रही है सरकार, लेकिन मेरा जहाँ तक अनुमान है कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट बदलनी चाहिए। हाँ, गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट काम करे तो कैसा डेमोक्रेसी? मतलब आपका कहना है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना जरूरी, बहुत जरूरी है। तो और क्या आपको लगता है विपक्ष अब नहीं है इस देश? नहीं, विपक्ष तो है लेकिन मजबूत उतना नहीं रहा, क्योंकि उनका मुद्दा ऐसा नहीं आ रहा है कि या तो पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही है इसलिए जीत नहीं रही है। कुछ गड़बड़ है विपक्ष में, तभी बार बार सरकार जीत रही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी में क्या सबसे बड़ी कमी, क्या राहुल गांधी में पोटेंशियल है? प्रियंका है, कांग्रेस में कमी नहीं है, कमी जनता में, कांग्रेस का जो असली चीज कांग्रेस बोलती है जनता उसको समझ नहीं पा रही है। जनता बस नहीं समझ पा रही, जनता बस तो पार्टी की जिम्मेदारी है ना भाई, ऐसे वे में कम्युनिकेट करें जनता से कि समझे। उनमें भी तो कुछ कमी है, लेकिन बीजेपी की बात समझ रही तो कांग्रेस की क्यों समझ नहीं पा रही, आप बताइए। अरे उनका बीजेपी का जो न्यूज चैनल सपोर्ट है, बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं यार। हम बीजेपी बीजेपी का हम तो आपसे आपको थोड़ी एलिगेट कर रहे हैं, आपको एलिगेट नहीं कर रहे हैं। हम बहुत सारे न्यूज चैनल है जो मोदी गोदी वाला चीज चला रहे हैं, दिन रात मोदी एक्ट, ई चीज वो चीज, तो वहाँ तक उनका नहीं पहुँच रहा है जो कांग्रेस बोलना चाहती है। अच्छा, आपको ये बताइए प्रियंका और राहुल में आपको क्या लगता है ज्यादा मतलब पोटेंशियल किसमें है, कौन ज्यादा पार्टी को रिवाइव कर सकता है? देखिए, है तो प्रियंका गांधी में पोटेंशियल, राहुल गांधी में भी है, लेकिन राहुल गांधी का जो भी होता है स्पीच वगैरह पब्लिक को पता नहीं क्या मतलब ऐसा चीज हो रहा है कि इमेज सर बिगाड़ दिया गया मीडिया के द्वारा, राहुल गांधी का। हाँ, मीडिया ने बिगाड़। आप अपने मत लीजिए, मतलब भैया राजा क्या नाम है? मेरा नाम योगेंद्र है, योगेंद्र जाते हैं अभी पहलवान की लस्सी रोज। तो ये बताओ भैया क्या है, बनारस से ही हो? प्योर है। क्या है इस बार बनारस का माहौल? अखिलेश यादव यार, अखिलेश यादव यार, क्या है भैया बनारस का माहौल? बहुत बढ़िया है, इधर इधर बहुत बढ़िया है, खड़े रहा भैया है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। माहौल किसके पक्ष में है? बीजेपी के पक्ष में है ना भैया, इधर 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 विधायक के पक्ष में है, हमारे जो वर्तमान मिनिस्टर है उनके पक्ष में है।
पूरा भगवा ही भगवा है। ये तो बोले तपक जाएगी एकदम, विपक्ष मुक्त उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है, गारंटी के साथ कर रहे, चैलेंज के साथ कर रहे। विपक्षियों का यह मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये अपने भूल जाए। ये दबंगई सफाइयों का देख लीजिए, दबंगई चस्तिया क्षेत्र में हुआ है, सीओ को माथे से मारे है, ये सब जनता देखती है। ये किस आधार से कहते हैं क्या बनाएंगे, ढंग के चोट पर चौहर भगवा लहराएगी। ऐसे लड़का बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत, महंगाई क्या है, योगी जी से टेट का एग्जाम नहीं संभल पा रहा है। इसके पहले क्या कह रहे थे अखिलेश और मायावती, महंगाई कहाँ है, सबका परसेंटेज बढ़ा है। मैं भी एक रोजगारी हूँ, मैं भी एक टेम्पो वाला कमा रहा है 10 रुपए, लोग कहते हैं पेट्रोल बढ़ गया, वो एक सवारी में 5 रुपए बढ़ा रहा है। तो अपनी पत्नी से कहा मोदी जी बहुत बढ़िया, हमारा 5 रुपए सवारी, मैं 50 रुपए बेसी पेट्रोल में 250 बेसी आ रहा है, तो गरीबों का उत्थान हो रहा है। ये कहाँ से है सपा बसपा, कोई आज तक कोरोना के विपरीत परिस्थितियों में मोदी जी जैसे भी गरीबों का हर 15 दिन पर अनाज दिया जो बन पड़ा, लेकिन विपक्षियों ने अपने निजी खाते से गरीबों को एक पैसा दिया है। मतलब प्रियंका गांधी कमाल नहीं दिखा, कुछ नहीं, कुछ नहीं है सब। अखिलेश यादव कुछ नहीं, अखिलेश यादव का संदेह उनके में राजयोग है, ये नहीं है, राजयोग नहीं है, नहीं एकदम नहीं। पिताजी दे के गए मुख्यमंत्री में चले गए, विधानसभा भी खा गए लोकसभा, हाँ उनको नहीं नहीं, वो सोचते हैं परिवारवाद के विषय में करे, परिवार करते हो क्यों नहीं, अध्यक्ष दूसरे के बनाते नहीं है क्यों नहीं, वो नहीं कर बन पाएंगे, उनका ध्यान दूसरा, वो अपने परिवार में सिमट गए हैं। बीजेपी जातिवाद फैला रही है, सवाल है ना, कहीं बताइए कौन नेता सा बीजेपी में जातिवाद फैला रही है, सारे समीकरण है, हर लोग के मंत्री है, विधायक है, सांसद है, कहीं भी विपक्ष है, ये लोग सपा बसपा साम्प्रदायिक फैलाए, यहाँ तो सारे लोग लेके चल रही है बीजेपी, सबका साथ सबका विकास, मंत्रिमंडल में हर कास्ट के लोग हैं, मतलब विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है, आप देख लीजिए, आज से देख लीजिए, दशा से मैं चले जाइए, एक रंगी दुकान कभी आज तक थी, ये सब मोदी जी का करिश्मा। जहाँ पैदल चलना दुश्वार, वहाँ तक फोर व्हीलर जा रहा है। बोल रहे हैं आप मोदी जी के अंधभक्त है, ऐसी बातें, भक्त तो है, भक्त है कि अंधभक्त है, एकदम भक्त है, अंधभक्त नहीं है, जिस तरह हमारे प्रभु श्राम करते हैं उसे मोदी मोदी करते हैं, मतलब मोदी को आप भगवान मान लिए, नहीं भगवान नहीं, भगवान के वो भक्त हैं, और उन्हीं के दिखाए हुए मार्ग पर हम चल रहे हैं, सत्य, हाँ सत्य मार्ग है, वो सत्य मार्ग, भगवान को नहीं मानते हैं, वो कभी से किस कहाँ दिए हैं बताइए, अरे भगवान के नहीं मानते तपस्या कैसे किए अमरनाथ वहाँ केदारनाथ में, आप बताइए जनता को दिखाना है, ये दिखाने के आप ही दिखाते हैं, ये सब नहीं है, ये सब फालतू बकवास छोड़ लो दीजिए। पांच योजना का है बनारस में बताइए थोड़ा, कहां मोदी पांच योजना लिखा रहे हैं, क्या फास्ट रहे यहां से बनारस में रोजगार के लिए कौन सा योजना निकाला बताइए, हम लोग का एग्जाम कैंसिल हो गया, योजना ये सब आप लोग छोड़ दीजिए, दुनिया का इतना सब क्यों होते हैं, भाजपा भूखे से पता नहीं है कि मुझे खाना देगी, हम बोले हैं ना कि रोजगार बढ़ रहा है, तो एक दो ये को योजना बताइए जो बढ़ाए हैं मोदी जी बढ़ाइए, अरे तो नामो बताइए, बेटा है कि नहीं, बेटा है, बेटी है, सब पढ़ता है, बेटा बेटी सब है, नहीं तो पढ़ते हैं, उनसे जाके बात करिए, इन लड़के ये बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे पा रही, हम रोजगार, हमारा बिजनेस है, हमारा बेटा संभालेगा, जिसका जिसका जो रोजगार है, रोजगार पर आते हैं, सुनकर कहते हैं नौकरी नहीं मिली, फल आ रहा है कश्मीर से, वो नौकरी करेंगे, सेब कौन बेचेगा, अच्छा मतलब खुद का धंधा, हाँ अपनी खुद अपने पैरों पर किए, आपके विरासत में जो रोजगार है वो कीजिए, हमारे पहलवान लस्सी वाले भाई उनका साथ 2 पीढ़ी चल रहा है, कभी नौकरी के लिए परवाह नहीं किया, नहीं आप सब लोग फल फूल रहे हैं, अपना विरासत 3री पीढ़ी चल रही है, पांचवी पीढ़ी चल रही है, चल रहे भैया धन्यवाद, ठीक ठीक है। तो ये बनारस की जनता की राय लगातार हम आपको बता रहे हैं, और लगातार द फैक्ट इंडिया की ग्राउंड जीरो कवरेज जारी है, उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज जानने के लिए आप द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करिए, और लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आप वाकिफ होते रहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश का सियासी मिजाज कैसा चल रहा है। कैमरा पर्सन समर के साथ मैं रूपेश मिश्रा, द फैक्ट इंडिया, वाराणसी।